गेट में क्या करना है, करना था अभी। अब आप प्री लिख रहे हैं तो प्री तो टाइम चला गया ना यार, अभी तो प्री करोगे। पहले मैंने भी यही किया था, ज़्यादा गेट पे फोकस नहीं किया था, प्री पे फोकस किया था। फिर भी अगर आपको करना है, जिनको है कि नहीं मुझे प्री नहीं लिखना है, गेट करना है, सिंपल काम है, नोट्स उठाओ उसको रिवाइज करो, ज़्यादा मेहनत नहीं है, नोट्स उठाओ उसको रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज लो, मेडीजी वाली जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसके 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक, मीडियम, एडवांस्ड, ठीक है। बेसिक दो पेपर, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो फिर से रिवाइज करो नोट्स, और जो सवाल नहीं हुए एक बार उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, जो सवाल नहीं हुए। तो ये गेट बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज के थ्रू और आपके नोट्स के थ्रू। कुछ लग रहा है कि बाहर के सवाल, क्योंकि वो रिपीट हो जाते हैं, आपसे नहीं हुए तो रिपीट हो जाएंगे वो, तो फिर उसके जाके देख लो जहाँ से भी वो आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कितना दे सकें, लेकिन ईएस प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो, पहला काम यही करना है। दिन में टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल रखना है और रिवीजन का भी शेड्यूल रखना है, दो चीज़ें रखनी है, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और कुछ टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर मिल जाएगा टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर आपको टेस्ट सीरीज ही लगाना है, दो टेस्ट लगा लिया आपने तो सफिशेंट फॉर द डे, बाकी प्रीवियस ईयर रात को कर रहे हैं। ये किसी और चैप्टर का करता था मैं, ये किसी और चैप्टर का करता था और ये किसी और चैप्टर का करता था। ईएस प्री दे रखा था तो सबसे बड़ी बड़ी फायदे वाली चीज़ ये थी कि मेरा सब कुछ रिवाइज था। 7 जनवरी को अगर मैं ईएस प्री लिख रहा हूँ पूरा सिलेबस कवर करके, सब कुछ एक बार पढ़ के रिवाइज करके, तो ये चीज़ तो सही है कि मैं अब आराम से प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर सकता हूँ इसका बिना रिवाइज किए। और ये मैं कोई और चैप्टर जो मेरा छूटा हुआ है गेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं कर सकता हूँ, और ये मैं किसी तीसरी चीज़ का ये कर सकता हूँ। तो एक हॉलिस्टिक वो मिल जाता है अपने को, हॉलिस्टिक रिविजन हो जाता है। और लास्ट के 10 दिन में मैंने क्या किया था गेट में, फुल टेस्ट थे 8 मेडीजी के टेस्ट सीरीज में, ठीक है, सारे एक एक करके। 2 से 5 में मेरा टेस्ट पेपर था, टेस्ट था मेरा 2 से 5, तो हर दिन 2 से 5 बैठता था, ये काम करता था लास्ट के 10 दिन में, ठीक है। हर दिन 2 से 5 बैठा, देखा क्या गलती हुई, उस पर 1 घंटे दिए, जो चीज़ें नई थी उसको नोट्स में डाला, इमरजेंसी नोट्स बनाता था उस टाइम, क्योंकि अब तो वापस जाके मैं मेन वाले नोट्स चेक नहीं कर पाऊँगा, तो एक इमरजेंसी नोट्स करके एक अलग A4 शीट पर लिख लेता था। ये सारी चीज़ें पेपर से 2 दिन पहले इन्हीं को देखता था, पेपर से 2 दिन पहले इन्हीं को देखता था, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स थी मेरी। तो गेट ऐसे कवर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता गेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किसी को, है ना, बस कैलकुलेटर अच्छे से करना चलाना वहाँ पे तो। और कई बार होता है स्क्रीन बहुत छोटी आ जाती है, लैपटॉप जो छोटा वाला होता है उतना, वैसा लक ऐसा ख़राब रहे तो मिल भी जाता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ तो उनका पेपर ख़राब हो गया। तो आपको करना क्या है, कई कभी कभार लोगों का होता है, लोगों की प्रॉब्लम होती है फॉन्ट साइज सेट नहीं किया, तो हर फॉन्ट साइज पे प्रैक्टिस कर लो। जूम मैं तो क्या करता था ना, अगर एक लाइन एक पेज में पूरा क्वेश्चन पे दिख जाए मुझे तो वो तो हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको जूम कर लेता था और बहुत ज़्यादा जूम करता था, ऐसा कि मुझे नीचे आना पड़े उसको देखने के लिए, ठीक है। वो मैंने प्रैक्टिस में लाया था, वो प्रैक्टिस में मैं वही करता था, जब भी हुआ सवाल नीचे आया फिर देखा और उसको आंसर किया। और आज से लेके अपनी लाइफ में कभी भी जब भी कोई भी आप सवाल लगाते हैं, जब आपका आंसर निकल के आ जाए तो आप वापस जाके देखिए, लास्ट लाइन पढ़िए उस सवाल का क्या पूछा है। आज से ज़िंदगी में, आज कसम खाइए कि आज से ज़िंदगी में हम ये करेंगे, आंसर निकलने के बाद वापस जाएंगे और देखेंगे लास्ट लाइन में क्या पूछा है। ये हर सवाल के साथ करना है, जहाँ आपने नहीं किया वहाँ पे थोड़ा सा अफसोस करना है और फिर से करना है ये काम, ठीक है। तो ये गेट आपका यहाँ से कवर हो जाता है, मेन मिस्टेक यही होती है, हम लोग देखते कुछ हैं आंसर कुछ करते हैं, पूछा कुछ होता है आंसर निकल के आ गया कुछ, एक स्टेप पहले का वही आंसर में डाल दिया, और दूसरा कैलकुलेटर मिस्टेक होता है। ESE वर्सेस गेट में पता ही है, बहुत फ्रूटफुल ये चीज़ है, अगर आपकी तैयारी अच्छी रही है प्री तक तो करते ही रहो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। और अगर आप बिल्कुल ही श्योर नहीं हो, बिल्कुल ही मन ही नहीं है ESE प्री अटेम्प्ट करने का, तभी गेट पर जाना है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई वुड एडवाइज प्री पे फोकस करो, 1 महीने सफिशेंट होते हैं गेट के लिए, ठीक है। फ्रेश से कैसे स्टार्ट करना है, पहली चीज़ जब स्टार्ट फ्रेश से करते हैं तो मन में होता है कि जब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो सब चीज़ कवर होनी चाहिए भाई, अपने पास पूरा टाइम है, पूरे साल का टाइम है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगला अटेम्प्ट देना है मुझे। तो जब मेरे पास मेरा गेट का पेपर जैसे ही हो गया,
मुझे पता चल गया मेरे गेट में कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे पता चल गया मेरे प्री में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे प्री के मार्क्स से मेरा मेंस में सिलेक्शन हो रहा है, पता तो चल ही जाता है। आपके आंसर शीट निकाल देती है मेडी जी, आंसर पेपर भी दे देता है, आप उसमें देख लीजिए। अगर आप वेल बिफोर हैं बाउंड्री लाइन, तो आपको स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर मेंस पे तैयारी शुरू कीजिएगा। इन केस अगर फ्रेश स्टार्ट करना है, तो सारा सिलेबस, एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। अभी तक गिवन कि आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे क्लासेस हो गई हैं, अब करना क्या है, आपके जो नोट्स थे A4 साइज का एक बंडल खरीदिए 150 रुपये का, उसमें जितने भी पेज हों एक एक पेज करके निकालना शुरू कीजिए। चैप्टर पहला जो हुआ मान लीजिए सोम हुआ, है ना, बगल में बुक रखिए। जो मैं अपना, मैंने ये किया है उसी को मैं बस आपके सेंटेंस में बोल रहा हूँ। बुक रखिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो फ्रेश ही किया था जब दोबारा किया तो, और मैंने स्टार्ट भी मेंस लिखने के बाद ही किया था, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था अगस्त के बाद। बुक निकालिए, साइड में थ्योरी बुक जो आपको मिली होगी वो रखना है और नोट्स रखना है। इसके अलावा आप भूल जाइए, कुछ कुछ देर के लिए भूल जाइए बाकी सारी चीज़ें। क्या करना है, A4 साइज पेपर लेना है और हर चीज़ लिखनी है लाइन बाय लाइन, और किसी और के से पढ़ने से नहीं होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको खुद से बनाने पे फ़ायदा होगा थोड़ा। तो मैं ये कह रहा था हर चीज़ लिखनी है उसमें आपको, जो छोटी से छोटी चीज़ है, लैंग्वेज हटा देनी है आपको, इट हैज़ दैट वॉज विल बी वुड बी, ये सब हटा देना है उसमें से, और हर चीज़ लिख देनी है, ठीक है। कोई टेबल है, अगर आपने अभी तक, आपको आइडिया हो गया होगा कि ईएस के प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर है तो वो यहाँ दिखना चाहिए। अगर मैंने एक बार ये पेज बना लिया सोम का चैप्टर, तो फिर मुझे ना तो बुक देखने जाना है वापस लौट के, ना मुझे नोट्स देखने जाना है। मैंने यही किया था, एक बार मैंने नोट्स की भी सारी चीज़ें लिख ली जो बुक की थी एक्स्ट्रा, वो सारी सारी चीज़ें इसमें लिख ली। एक भी चीज़ आपको मिसिंग नहीं मिलेगा, मिसिंग इसलिए मिलेगा ताकि, क्योंकि उसका मेरा पुराना वाला बना हुआ होगा थोड़े आलस की वजह से, और क्योंकि मैंने लास्ट में स्टार्ट किया था। आपके अगर पास अगर पूरा टाइम है तो सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आपके पास एक चैप्टर सॉइल का मेरा 6-7 पेज में हो गया था, मुझे उसमें हर चीज़ लिखनी है। अगर कोई एनसीसी सॉइल है, एनसीसी जब मैंने शुरू किया तो उसमें सी की वैल्यू किसके लिए क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे लिखनी है। सी की प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है किसके लिए, सी डी की वैल्यू, फाई का रेंज क्या होता है इतने से इतना, चलो ठीक है, ये सब प्री में सीधा उठ के आता है कि फोरोसिस सॉइल्स फाई रेंज इज दिस दिस, एसएसएन रीजन में पूछता है कि नहीं पूछता है, और आपको इंटरव्यू में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो एक बार ऐसे सोम बना लिए, एक बार ये बन गया तो आप उसको उसके प्रीवियस ईयर लगा जाइए। प्रीवियस ईयर लगाने गए तो मैंने जो बोला था कि सबको लिखना है, जो सवाल नहीं हुए आपसे या जो सवाल अच्छे हैं और हो गए, उन सबको लाइन बाय लाइन एक लास्ट में प्रीवियस ईयर पेज करके लगा दीजिए इसी में, ठीक है, एडेंडम लास्ट में, और ये कवर हो गया, आपका ये शॉर्ट नोट्स बन गया। तो अगर आप वेल बिफोर टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 दिन के बाद इसको बैठ के और एक साइड में खाली पेज रखिए, रफ कॉपी, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं आपको उसको लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए लिख दीजिए लिख। तो इसमें फॉर्मूला आ गया, थ्योरी आ गई, टेबल आ गया, डेटा आ गया, ठीक है, कोई नई चीज़ हुई वो आ गई, नोट्स कवर हो गए, बुक कवर हो गए। इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। A4 साइज पे स्टार्ट करना है शुरू से, ठीक है। Day 1 पे बहुत सारे डेफिनेशंस होती हैं, तो डेफिनेशंस में जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसको सिर्फ लिखना है, ठीक है। जैसे एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वो आप सिर्फ किताब में पढ़ते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। आपसे अगर अभी खड़ा करके पूछ दिया जाए कि हाँ बताओ यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशंस क्या क्या हैं, तो आपको शायद याद नहीं हो, और वो एसर्शन रीजन में आ जाएगा तो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने हाइड्रोग्राफ में पढ़ा क्या है, डबल करके टेबल जोड़ने का काम किया अभी तक आपने, और वो आपने हाइड्रोग्राफ वाला वो हल्के में ले लिया, जबकि वो चीज़ ES में पूछी जाती है, एसेशन रीजन में पूछ सकता है कि वन ऑफ द एजम्पशन विच वन इज़ नॉट एजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यही एक एजम्पशन यूनिट हाइड्रोग्राफ का, या उससे रिलेटेड कोई सवाल आ गया। तो ये जब 20 दिन बाद आप उसको जाइएगा पढ़ने,
तो आपको इसकी एग्रेसिव रीडिंग करनी है खूब अच्छे से। मैं आपको ये नहीं कह रहा प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि सवाल लगाने में झोल लगता है, लगता है कि दर्द हो रहा है एकदम, नहीं यार सवाल मैं प्रीवियस ईयर लगाने नहीं जाऊँगा, तो ठीक है मत लगाओ इसको। रीडिंग मारने में तो कितना कम टाइम लगता है, रीडिंग मारो उसको, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उसको एकदम लिखो बगल में। तो एग्रेसिव रीडिंग मारनी है जितनी, अभी भी मैं यही कहूँगा जितनी ज़्यादा अपने नोट्स की रीडिंग मार सकते हो ना टेक्निकल वाले में उतनी ज़्यादा मारो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है न्यूमेरिकल्स भी करने हैं लेकिन रीडिंग ज़्यादा मारनी है, तो ये काम करना है। प्रीवियस ईयर में क्या है मेरे मेरे पास, फिर मुझे लगा प्रीवियस ईयर तो मैंने कर लिया, मेरा सारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे है, सारी चीज़ें तो मैं बार बार जब भी 20 दिन पे देखता हूँ मुझे याद ही हो जाती हैं वो चीज़ें, तो मैं प्रीवियस ईयर लगा के क्या करूँगा अब। तो जितने न्यूमेरिकल्स बच गए उनको जा जा के कर लेता हूँ। तो सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा, हर 20 दिन पे वापस लौटता था मैं एज ए रूटीन, ये मेरा रूटीन था कि मैं हर 20 दिन पे मुझे अपने शॉर्ट नोट्स के पास जाना है और यही बंटाधार करेंगे। सिर्फ फॉर्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा, वो गेट में काम आ सकता है आपको, आपको किसी स्टेट में आ सकता है, ईएस में काम नहीं चलेगा उससे सिर्फ। ठीक है तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन जब स्टार्ट फ्रेश करोगे एक बार, ईएस प्री दे लो, गेट दे लो, अगर मन होगा स्टार्ट फ्रेश करने का तो आप लोग ऐसे स्टार्ट करना और 1 साल ईमानदारी से ये काम करना, देखना बहुत अच्छी रैंक आएगी ईएस में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप ये काम करते हो 1 साल तक आँख मूंद के, तो किसी की भी आ जाएगी रैंक, ज़्यादा दिमाग चाहिए ही नहीं। हैंडबुक में वैल्यू एडिशन करोगे तो यार मैंने भी ट्राई किया था ये, लेकिन बात ये हुई ना कि मज़ा नहीं आया करने में। क्यों? क्योंकि देखो अपने को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब हम कहीं टाइम देते हैं, दिन कटता है जब पढ़ते हुए, और दिन कैसे कटता है पढ़ते हुए, जब हम प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं दिन भर। प्रैक्टिकल फाइल लिखने का मतलब है ये चीज़ जो भी मैंने बताई, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल फाइल है, मेहनत है कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकल मेहनत है। फर्स्ट टाइम जब आप नोट्स बना रहे हैं क्या है, मेहनत है, दिमाग का खर्चा जीरो है, आप प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं, आप दिन के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक ये काम कर सकते हैं। आपको लगेगा हाँ यार मुझे करना है, चलो इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करता हूँ मैं, हर चीज़ लिखनी है, कुछ छूट भी नहीं रहा है, मुझे पता भी है क्या लिखना है, 12-14 घंटे माइलेज पहुँच रहा है आपका डेली का। जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है जब दूसरी बार आएंगे तो वो आपको बहुत फेमिलियर लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा कि आपका कुछ छूटा हुआ है। ठीक है कहीं आपको डर नहीं लगेगा कि कुछ छूटा हुआ है। 12 से 14 घंटे जैसे ही आप एक दिन बैठ गए, एक दिन आपने 12 से 14 घंटे का स्वाद चख लिया, तो आप फिर डेली ये काम स्टार्ट कर दोगे। फिर कल आज आपने फाइल प्रैक्टिकल फाइल लिखी है, लिखने में आपको 2-3 महीने तो लगेंगे अच्छे से बैठ के, 2 महीने 2.5 महीने तो लग जाएंगे अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल फाइल लिखोगे। प्रैक्टिकल फाइल का मतलब है शॉर्ट नोट्स। तो आपको 12-14 घंटे दिन में बैठने की आदत हो गई है, अब हम लोग बैठते क्यों नहीं है, 12-14 घंटे क्यों नहीं बैठते हैं, 6 ही घंटे क्यों बैठते हैं। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, इसके साथ ही कंटिन्यू कर देता हूँ कंसिस्टेंसी वाली थिंग। हम लोग बैठते क्यों नहीं है 12-13 घंटे, 6 ही घंटे क्यों बैठते हैं, 2 ही घंटे क्यों बैठते हैं, क्योंकि अपने को सवालों से डर लगता है, लगता है यार यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सवाल हुआ नहीं तो अपना डाउन हो जाएगा मोटिवेशन और अपना ईगो भी हर्ट हो जाएगा। तो फिर ये उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तैयारी स्टार्ट करनी है, दिमाग भी नहीं लगाना है, डरना भी नहीं है, डर भी नहीं लगना चाहिए, पूरे टाइम आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप डेली अब 12 से 14 घंटे पढ़ रहे होगे, वो पढ़ाई में ही काउंट होगा ना। आपने भले ही लिखा है, भले ही आपने प्रैक्टिकल फाइल लिखी है, बचपन में लिखी थी ना 9th-10th में, रात रात भर लिखी थी, अगर अगले दिन सबमिट करना है तो रात रात भर लिखे थे, तो यही तो काम है ये। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं 12 से 14 घंटे बैठ के प्रीवियस ईयर लगाओ गेट का, लगा पाओगे? 6 घंटे लगा पाओगे? मुश्किल होता है लगातार एक ही चीज़ करना, तो इस वजह से बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी काम है। दिमाग का खर्चा सुन, कोई दिमाग का खर्चा नहीं है इसमें, बैठ के 2-2.5 घंटे में अगर आपने कर लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस टाइम कोई स्टेट सर्विसेज लिखने जाओगे तो आप श्योरली उसमें अच्छा करके आओगे, श्योरली आप अच्छा करके आओगे उसमें। ईएस का जैसे ही प्री आएगा, आपको करना क्या है, ये कर लिया 2.5 महीने में ये बन गया, अब मुझे मेंस की टेस्ट सीरीज लिख देनी है, क्योंकि मेंस में स्पीड तभी आती है जब आप उस चीज़ को 2 बार किए हुए हों। अब तो 6 महीने मिल गए हैं तो ये अच्छी चीज़ है, नहीं तो पहले रिपीटर्स को फ़ायदा हो जाता था।
अब तो फ्रेशर्स के पास भी 6 महीने हैं उस चीज़ में, उस टाइम में वो 2 बार कर लेगा तो उसकी भी वो स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मेन सब स्पीड का खेल हो गया है। पहले 200-200 400 का पेपर आता था, एक्यूरेसी का खेल था, सब लोग कर लेते थे 400 का अटेम्प्ट। आजकल 600 का पेपर आ रहा है, क्वेश्चंस इतने बढ़ा दिए हैं कि लोग मुश्किल से 500 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने जितना अटेम्प्ट किया उसको उतने मार्क्स मिले, एक तरह से कह सकते हो ना। एक्यूरेसी भी गिवन की एक्यूरेसी भी अच्छी हो। तो जल्दी से आपको फिर ये 2.5 महीने कंप्लीट हुए, हर 20 दिन पे कंटिन्यू रखना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी गाज गिरे अब पे, ये 20 दिन पे करना है काम, रिवाइज कर उसको पढ़ना है। पलट के देखने में भी कोई झाड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। जल्दी से निकालो उसको, जो भी है चैप्टर उसको तो आपने कर रखा होगा, जल्दी से पढ़ना शुरू करो। 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 10 पेज पढ़ने में आपको उतना संकट नहीं महसूस होगा जितना आपको पूरा नोट्स पढ़ने में होता है। इतनी मोटी कॉपी, इतनी बड़ी थ्योरी बुक, इतना बड़ा प्रीवियस ईयर कैसे करोगे? और वो 10 पेज में आपका पूरा ज्ञान है। तो वो 20 दिन पे जब आप ये करते रहोगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर 20 दिन पे गिवन कर रहे हो, और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको गेट का एग्जाम देते ही। मेंस की टेस्ट सीरीज में करना क्या है, आपका रिवीजन हो रखा है, वर्कबुक निकालो। अभी तक मैंने जो बोला था इसमें नोट्स बनाने को, उसमें वर्कबुक के एग्जाम्पल्स तो नहीं थे, थ्योरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो होते हैं कॉन्वेंशनल वाले वो तो नहीं थे। आपको यहाँ से शुरू करना है, वर्कड आउट वाले एग्जाम्पल्स पहले खुद से अटेम्प्ट लेने हैं, नहीं हुआ तो वो उसमें से देखना है, और उसके भी फिर एक एडेंडम लास्ट में लगा देना है। कोई नई चीज़ है तो, कोई नई चीज़ है तो उसको भी नोट कर लेना है। तो कुल मिला के आपका मेंस का एक, आपका सिलेक्शन हो इस बार प्री में या ना हो, अगले साल के सक्सेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी ये फील करता हूँ, लास्ट ईयर का जो मैंने मेंस किया है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है इस साल की तैयारी में, क्योंकि उससे हेल्प मिल, लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज दी थी, उससे मेरी स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जबकि फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम ये आई थी मेंस में कि मैं 500 के 450 अटेम्प्ट कर पाता था, दूसरी बार जब तैयारी की तो उसमें क्या हो गया, अटेम्प्ट 600, 588 हो गया, सिर्फ 12 नंबर का एक सवाल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ये चीज़ बढ़ जाएगी अगर आपने 2 बार कर लिया तो अगर आपका पहले ही हो जाता है तो 6 महीने पूरे जितना यूटिलाइज कर सकते हो करो, कोई डाउट नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज। लेकिन जिनका नहीं होता है, मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है, किसी भी हाल में आपको आना ही आना है, टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी है, बैठ के यहाँ पर टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर इतना करते हैं और जैसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज खत्म हुआ, पेपर वेपर दे लिए, सारे टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस टेस्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट दे लिया, देख लिया कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद आपका प्री वाला सीजन शुरू हो जाता है। अगर आपका कोई बीच में स्टेट सर्विसेस आ रहा है तो उसको स्पेसिफिकली दे दो 10-15 दिन, और नहीं तो फिर प्री जैसे ही आए जुलाई अगस्त, अपना रट्टा मारो जिंदाबाद। 20 20 20 दिन पे कर ही रहे थे, अब इतना कंठस्थ हो जाएगा ना कि आप टेस्ट सीरीज में टॉप मारोगे। मेरे साथ यही हुआ, ये काम मैं हर 20 दिन पे करता रहता था, टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक ऊपर आने लग गई, चाहे कहीं की भी टेस्ट सीरीज दूँ रैंक ऊपर आती थी, क्योंकि मुझे हर हर चीज़ याद हो गई थी। सेशन रीजन में जो पूछते थे वो मेरे मुंह पे होता था, हाँ यार ये तो गलत है, ये सही है, क्योंकि मैंने इसको कितनी बार पढ़ लिया होगा। सोचो ये जो मैंने पेज बनाए थे, ये जो मैंने पेज आपको दिखाया, इसको मैंने कितनी बार पढ़ लिया था, तो वो चीज़ें याद हो गई थी। और पेपर में इस वजह से वो 291 दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ें याद हो गई थी बार बार करने से।